और एक बड़ी खबर आ रही है, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आज मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में पेश हुई। कंगना को कल ही मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाना था, लेकिन वो अपने किसी निजी काम की वजह से नहीं पहुंच पाई थी। सिख समुदाय पर विवादित बयान के मामले में मुंबई पुलिस जांच कर रही है और इसी मामले में आज खार पुलिस स्टेशन में कंगना पूछताछ के लिए पेश हुई। तस्वीरें उसी दौरान की आपको दिखा रहे हैं। विवादित सोशल मीडिया मामले में जांच चल रही है। सिख समुदाय के ऊपर कंगना ने एक विवादित स्टेटमेंट दे दिया था और इसी को लेकर इन्हें पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए पहले भी बुलाया गया था, लेकिन किसी निजी कारणवश वो नहीं जा पाई थी। आज खार पुलिस स्टेशन में वो पहुंची। फिलहाल मैं खड़ा हूँ खार पुलिस स्टेशन के बाहर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कंगना रनौत अभिनेत्री जो है वो यहाँ पे आई है। उनके खिलाफ यहाँ पे खार पुलिस स्टेशन में जो है वो एक एफआईआर का मामला एफआईआर दर्ज है। ये एफआईआर उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसको लेकर हम बात करते हैं। कंगना क्या कहना चाहेंगे आप? कंगना सकते हैं कि कंगना रनौत जो है अंदर पुलिस स्टेशन अभी जा रही है। फिलहाल मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की और अब वो अंदर गई है। 23 नवंबर को जो है वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। ये एफआईआर जो है उनकी उस सोशल मीडिया की पोस्ट जो है उसको लेके दर्ज हुआ था, जहां पे उन्होंने जो किसान मोर्चा जो है उसे या उसकी कंपैरिजन उन्होंने की थी खालिस्तानी मूवमेंट को लेके। उन्होंने किसानों को खालिस्तानियों से कहीं ना कहीं कंपेयर किया था। इसकी वजह से शिरोमणि अकाली दल और हम कहें तो उन्होंने और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्होंने मिलके खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। कंगना इस एफआईआर के खिलाफ कोर्ट में गई थी। कोर्ट से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि एफआईआर जो है वो खारिज की जाए, लेकिन कोर्ट ने उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने अपीयर होने का। तो आज कंगना पुलिस के सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले की अगली तारीख जो है वो 25 जनवरी है और मुंबई पुलिस ने भी कोर्ट को ये कहा है कि 25 जनवरी तक वो कंगना को अरेस्ट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं कंगना जो है उन्हें एक प्रोटेक्शन मिला है। तो इस मामले में फिलहाल कंगना अरेस्ट नहीं हो सकती, मुंबई पुलिस ने ये अश्योरेंस कोर्ट को दिया है। तो अब यही देखना दिलचस्प होगा कि कंगना अपने बयान में क्या कहती है, क्यों उन्होंने ये स्टेटमेंट किया, क्या उसके पीछे वजह थी, क्या ये पुलिस को वो बताती है या नहीं बताती और स्टेटमेंट में वो क्या मेंशन करती है, यही देखना जैसे मैंने कहा दिलचस्प होगा। कैमरामैन सुभाषिश दाम के साथ हम मयूरेश कणपते मुंबई से TV9 भारतवर्ष के लिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर को नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।